सत्ता पक्ष और विपक्ष की पोल सभी भारतीयों के समक्ष खुल चुकी है। सब जान चुके हैं राजनेताओं की कथनी और करनी का फर्क। सरकारी सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को सभी भारतीय खत्म करना चाहते हैं, पर इसकी पहल कौन करे? शायद सभी के दिमाग में यही सवाल कौंध रहा है, जिसमें अन्ना हजारे ने सबसे पहले अलग जगाई थी। लेकिन अन्ना के अरविंद केजरीवाल से अलग होने के बाद भारत के सभी नागरिकों की आस टूटने लगी थी। सभी को लग रहा था कि राजनीतिक साजिश का शिकार बन रहे हैं अन्ना, लेकिन फिर एक बार अन्ना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलान जंग घोषित कर दी है। और इस बार अन्ना के टीम में शामिल है थल सेना के पूर्व जनरल वीके सिंह। एक पत्रकार परिषद में सिंह ने साफ कह दिया है कि सत्ता सुख भोग रही केंद्र की सरकार नाखून से लेकर शिखर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वही अन्ना ने कहा है कि केंद्र में बैठी सरकार कुछ बदलाव कर रही है, जिससे प्रतीत होता है कि बैलगाड़ी के बैल को बदल दिया गया हो, लेकिन बैल को हाँकने वाला गाड़ीवान तो वही पुराना ही है। आप भी गौर फरमाइए कि अन्ना क्या कह रहे हैं। आज तो मंत्रिमंडल में बदलाव आ गया, ये तो जनता के दिशा भूल करने के लिए बदलाव है, ऐसे हम मानते हैं। अरे मंत्रिमंडल में बदलाव आकर कुछ नहीं होगा। समाज और देश के बारे में जब तक आपके दिल में नियत साफ नहीं है, तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे गांव में बोलते हैं ना, ये बैलगाड़ी चलते हैं ना, तो बैलगाड़ी चलाने के लिए वो बोलते हैं उसको गाड़ीवान। गाड़ीवान गाड़ी चलाता है, बैल बदल गए लेकिन गाड़ीवान तो वही है। क्या होगा उसमें से, क्या फर्क पड़ेगा? जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होती समाज और देश के बारे में, जब तक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की उनको याद नहीं आती है, तब तक बदलाव नहीं आएगा। ये ऊपर ऊपर से सब बदलाव चल रहा और उसमें देख रहे कई करप्टेड लोग उनको मंत्र बना। करप्टेड लोग क्या इनकी नीयत है, तो इससे कुछ नहीं होगा। वहीं अन्ना ने कहा है कि भ्रष्टाचार की जंग को और मजबूत कराने के लिए वो अब देशव्यापी दौरा करेंगे, ताकि सभी भारतीयों को जागरूक किया जा सके। साथ ही अन्ना ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार की पोल खोलती लाखों चिट्ठियां उनके पास पहुंच चुकी हैं, जिसकी समीक्षा की जा रही है। इस पत्रकार परिषद में अरविंद केजरीवाल के विषय में अन्ना हजारे से जब बात की गई, तब अन्ना का कहना था कि अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो मैं उनका प्रचार जरूर करूंगा। राजनीति में जो अच्छा इंसान है उसकी जीत बहुत जरूरी है। दूसरी बात है अरविंद के बारे में, हम लोग ये सोच रहे कि संसद में चारित्रशील लोगों ने जाना, और मैं पहले बताया, अरविंद को भी बताया कि आप जो लोगों को खड़ा करेंगे वो अगर चारित्रशील है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो चारित्रशील लोगों को अंदर भेजना है। जब तक चारित्रशील लोग संसद में नहीं जाएंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। और भले ही अरविंद राजनीति में गया, उसमें से अच्छे लोग दिखाई दे तो हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देश सोचते हैं, हम देश के बारे में सोचते हैं, ये व्यक्ति के बारे में नहीं। हाँ, सबको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो चारित्रशील है उनको सपोर्ट करेंगे। मैं तो पहले बताया था अरविंद अगर खड़ा हो गया तो मैं उनको चुनाव में चुन कर आने सपोर्ट करूंगा, कि वो अच्छा आदमी है, ये पहले से मैं सोचा है। जनरल वीके सिंह से जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात की गई, तब उन्होंने साफ कह दिया कि सत्ता सुख भोग रही यूपीए सरकार जल, जंगल, जमीन और खनिजों की लूट निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। मगर अफसोस कि विपक्ष भी इस बंदरबाट में शामिल हो चुका है। जनरल वीके सिंह ने साफ कह दिया कि सरकार अल्पमत में पूंजीपतियों के चुंगल में है। आप भी गौर फरमाइए कि वीके सिंह ने और क्या कहा। Attention given to jal, jungle, zameen and khanij. Nobody knows who's supposed to own them. We feel that this is the property of the people of this nation, and only they can decide who and what will be done to these so that they can be utilized for the benefit of the masses. फिलहाल अब देखना यह होगा कि दो सैनिकों के ऐलाने जंग के बाद जनता जनार्दन क्या रुख अपनाती है, और 2014 के चुनाव के बाद सत्ता सुख भोग रही यूपीए सरकार दोबारा सत्ता में अपनी कुंडली बनाने में कामयाब होती है या नहीं। कैमरा पर्सन विजय खुटले के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।